नालो अस्मा का है। ओ आइए ना, बैठते हैं, खड़े खड़े क्या बातें करोगे, आओ। मम्मी मैं पूछ रहा हूँ अस्मा का है। कॉलेज गई है क्या? नबी बैठ के बात करते हैं ना। आज बैठ तो जाओ बेटा, आओ शाबाश, आ जाओ। हाँ भाई, स्टडी कैसे? जल्दी जा रही। अच्छा बेटा, ये वक्त हम सा क्यों गया? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि ये 9 महीने यूं चुटकी बजाते गुजर जाए। वो कौन सा दिन होगा जब मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेके बैठूं, उसको सीने से लगाऊंगी। पीजी, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये कैसे पता है कि वो पोता होगा? पोती भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, मुझे मालूम है, हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले थे, वो हाथ देखकर किस्मत का हाल बताते थे। उन्होंने जब मेरा हाथ देखा तो मुझसे कहा कि आपके बेटे के यहाँ पहली औलाद जो होगी वो बेटा होगा। हमने तो उस वक्त अपने पोते का नाम भी सोच लिया था, हमने सोचा था हम उसका नाम शहरयार रखेंगे। वाह और क्या। ओहो, चाय तो उबलने का नाम ही नहीं ले रही है, आज न जाने क्या हो गया, सब इंतजार कर रहे होंगे चाय के लिए। अन्ना भी चाय जूस सब पूछ रहे हैं। ओहो, चाय तो उबल के ही नहीं दे रही है, और वो देखो जूस मैंने तैयार करके रख दिया है। सुम्बुल बिटिया, हमारा शहरयार तो तुम्हारा हो गया। वो सिर्फ अस्मा का है अन्ना भी, आखिर ये बात आप लोग कब तक खुद से छुपाएंगे? खैर, मैं जूस लेकर जाती हूँ, आप जल्दी से चाय लें। मेरा फोन बज। हाँ जी साहब जी, वो जारा बीबी ने कहा है कि अस्मा बीबी को छोड़ने नहीं जाना, तो आप बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। ये जारा बीबी कह रही है तुम्हें? जी। तुम्हारे लिए क्या हुक्म हो रहा? अच्छा यार, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जाना ना कहीं, इधर ही रहना, तुमने जाना है। ओके। क्या हो गया? अम्मा अब जारा कह रही है कि अस्मा नहीं जाएगी, अब बताए मैं क्या करूं? तुम ये करो कि उन दोनों को मेरे पास भेजो, जाओ। मेरे ख्याल में आप जरूर उनके कान खींचे। बिल्कुल।